आजकल वायरल होने का दौर चल रहा है। लोग तो वायरल होते ही हैं, उनकी चीज़ें भी वायरल होती हैं। लेकिन क्या कभी आपने किसी कार के नंबर प्लेट का वायरल होते हुए सुना है? जी हाँ, ऐसा हुआ है हाल ही में, और किसी और का नहीं बल्कि भारत के गृह मंत्री अमित शाह की कार का। जी हाँ, गृह मंत्री एक बैठक के लिए बीजेपी दफ्तर पहुंचे। इस दौरान उनके कार का नंबर प्लेट, उसकी तस्वीर वायरल हो गई। दरअसल गृह मंत्री की कार का नंबर था DL1CAA 4421। इसमें लोगों ने कार के नंबर में से CAA का हिस्सा उठा लिया, उस पर गौर किया और सोशल मीडिया पर उनकी कार का नंबर को उन्होंने वायरल करने लगे। किसी ने लिखा कि CAA लागू होकर रहेगा, तो किसी ने लिखा कि गृह मंत्री के दिमाग में CAA बहुत पहले से था। वहीं किसी का ये भी कहना है कि गृह मंत्री ने जानबूझकर ऐसी कार का इस्तेमाल किया है और कार के नंबर के जरिए यह संकेत दिया है कि देश में जल्द ही CAA लागू होगा। आपको बता दें कि न्यूज एजेंसी PTI ने ये वीडियो पोस्ट किया था, जिसमें उन्होंने लिखा था कि गृह मंत्री शाह CWC यानी कि चुनाव समिति की बैठक में शामिल हुए। इस वीडियो के पोस्ट होने के बाद लोगों ने कार की नंबर पर गौर किया और जमकर इसकी तस्वीरें वायरल की। आपको बता दें कि इस बात की चर्चा हो रही है कि लोकसभा चुनाव से पहले केंद्र सरकार CAA लागू कर सकती है, इसके लिए तैयारी भी पूरी कर ली गई है। अब आपको ये भी बता देते हैं कि ये CAA है क्या। इसका हिंदी नाम है नागरिकता संशोधन अधिनियम यानी कि CAA। दिसंबर 2019 में भारतीय संसद द्वारा इसे पारित किया गया था। ये 1955 के नागरिकता अधिनियम में संशोधन करता है। यह अधिनियम 31 दिसंबर 2014 तक पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से आए 6 धर्मों के शरणार्थियों, जिसमें कि हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, ईसाई और पारसी को भारतीय नागरिकता देने की बात कहता है। अगर आसान भाषा में समझें तो इस कानून के तहत भारत अपने 3 पड़ोसी मुस्लिम बाहुल्य देशों से आए उन लोगों को भारतीय नागरिकता देगा जो साल 2014 तक किसी न किसी प्रताड़ना का शिकार होकर भारत आकर बस गए थे। तो क्या भारत में CAA लागू होगा? गृहमंत्री की गाड़ी का नंबर प्लेट किस बात का संकेत देता है? इस पर आप अपनी राय कॉमेंट कर बताइए और तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए ABP Live।